से जो लोग आते हैं, जो रैपर्स आते हैं, वो दे प्रॉब्ली कम फॉरवर्ड एंड स्पीक दैट इमोशंस ऑफ दैट वी कम फ्रॉम दैट स्लम, बट रादर देन स्पीकिंग देयर आर्ट, मतलब बेसिकली दैट इमोशन इज समथिंग विच दे कनेक्ट विद. बट आई बिलीव नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम यार, या इट्स अबाउट योर आर्ट. जस्ट बिकॉज मैं फटी बनियान पहन के ये बोलूं कि ए भाई लोग मैं उधर से आता है और उधर ऐसा करता है और तो वो होता है, that doesn't make you an artist is something who comes forward with the art and that is something which is great about you. देखो आपने normal से t-shirt पहनी है, आपने कोई ऐसी cap नहीं पहनी जिसके ऊपर मुफाड़ का logo लगा होगा इस समय. आप एक normal मुफाड़ का logo सर laptop तक ही है पीछे भी फिलहाल तो studio में भी. मैं तो भी बोल रहा हूँ आपने कोई ऐसे बड़े-बड़े tattoos नहीं करा रखे. So art speaks for itself. सर मेरे दो टैटूज है, मेरे दो नहीं तीन टैटूज है. मैं वैसे बता देता हूँ, एक ये वाला टैटू है जिसपे महाराज है और दूसरा एक ये है करम रकम. सो बस इतना ही. ये भी मेरी कुछ बिलीव्स हैं इसलिए मैंने इनको इंक करवा लिया. मैंने सर मतलब दिस इज सो फैंटास्टिक एंड आई एम लविंग हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू माय ब्रदर, बिकॉज़ आई थिंक मोर देन एन आर्टिस्ट यू आर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. इंटेलेक्चुअल तो वहाँ मैं खुद पे बहुत ज्यादा शक करता हूँ. मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल भी इंटेलेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ. देखो गौरव, मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करके अगर मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, and if something happens to me right after this live, तो मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा भाई. नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात. तो जो बोलना है यही बोलेंगे भाई, और जैसा बोलना है वही बोलेंगे. एंड यू नो माय रिक्वेस्ट टू ऑल योर फैंस, सी वी आर क्लोज टू 1000 पीपल वाचिंग अस राइट नाउ. सो गाइस देयर इज अ कंटेंट कमिंग टुमारो व्हिच इज अबाउट बीइंग अ स्माइल टू एवरीवन. प्लीज डू नॉट जज इट दैट इट्स अ बॉलीवुड कंटेंट, देयर आर बॉलीवुड पीपल इन्वॉल्व इन इट. सी द इमोशंस ऑफ हाउ पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड एंड कंबाइनिंग देयर सिनर्जीज, coming together to communicate with each one of you, that be a smile to everyone. Yeah. Don't wait for someone to die to create a you know fluke about it. Yeah. And create and take a benefit of an opportunity about it. Haan. Love the person when he's alive. Love the person when he's there in your arms. सर वही है ना कि जब कोई चीज पास होती है ना तब तक उसकी कीमत नहीं समझ आती, जब वो थोड़ा सा दूर हो जाती है ना आपसे, जब आप उससे उसके टच में नहीं होते, आपके आसपास नहीं होती, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तब आपको उसकी कमी भी खलती है. और उस टाइम पे ना एक बार को लगता भी है कि नहीं यार हमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बट उसके बाद फिर हमारी लाइफ ऐसी बनी हुई है ना सबकी कि सबके पास अपनी अपनी एक जिंदगी है झेलने के लिए और कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता. इन दी एंड उनके बाद क्या फंस जाती है. मैंने ना मैं ये सब जब टाइम चल रहा था, सो आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग व्हिच आई थॉट दैट आई शॉली यू नो स्पीक अबाउट इट समथिंग. आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू स्पीक अबाउट बिकॉज टुमारो वी आर रिलीजिंग अ कंटेंट. एंड आई रोट समथिंग व्हिच इज वेरी 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 क्लोज टू व्हाट यू नो द कंटेंट इज रिलीजिंग टुमारो. इफ यू अलाउ कैन आई जस्ट यू नो रीड इट फॉर यू. Yeah, for sure. Everybody is watching. So the content is all about going back to the roots. It says, आफिर चल बचपन की उन गलियों में चलते हैं. आफिर चल बचपन की उन गलियों में चलते हैं. आफिर खुद से एक नई मुलाकात शुरू करते हैं. आफिर अपनी परछाइयों से रूबरू होते होते हकीकत से कुछ बात करते हैं. आफिर जिंदगी तुझसे एक नई शुरुआत करते हैं. क्या बात है. अब खुद से बात करने लगा हूँ मैं. अब खुद से बात, अब लॉकडाउन हुआ, कोई आसपास नहीं था, बिल्कुल. अब खुद से बात करने लगा हूं मैं. हकीकत एक नकाब वाला चेहरा पहन के मुलाकात करने आई है. ये नकाब ऐसा कुछ नकाब हम जो अपने चेहरे पे पहनते हैं ना. हकीकत एक नकाब वाला चेहरा पहन के मुलाकात करने आई है. एक दूसरे के पास होके भी दूर है ये कैसी सच्चाई है. सही बात. मायूसियत सी होने लगी है इस अकेलेपन से, न जाने क्यों सब थम सा गया है. क्या खोया क्या पाया का हिसाब करने लगा हूँ मैं. अपनी तन्हाइयों को अब मैं समझने लगा हूँ मैं. अपने और पराए का फर्क जानने लगा हूँ मैं. न जाने क्यों सब थम सा गया है. आखिर चल बचपन की उन गलियों में चलते हैं, खुद से एक नई मुलाकात शुरू करते हैं. आखिर जिंदगी खुद से एक नई शुरुआत करते हैं.
So the thought, you know, this is something which, you know, everybody is an artist. Bilkul, bilkul, sir. I believe that. Yes, yes. Today I could speak out. There'll be a reason for a lot of people to speak this out. Yeah. Bro, this is, guys, this is what Zarurat is all about. Yeah. This is, so, you know, and I, here with Mufad, urge and request all of you, please watch the content. And if you feel that the content is not worth it, please dislike the button and write whatever worst you want to write it. But please watch it. Yeah, at least just at because least somebody, your time watching, just yeah. because you like somebody and you don't like somebody, do not go to the content and write, oh, this is a good or a bad content. Don't do that. Listen to it. Yeah. And if there is a heart in you, if there is an emotion in you, if you have a bit of love in you, all of you will love the content and you'll come back and probably, you know, write it back to Mufad for doing it, because it'll make you cry. Trust me, what Mufad have done will make you all cry. Mr. Pawar kuch bol rahe hain, likh rahe hain, jo main unka jawab nahi de sakta. Sir, thank you very much for writing it, because you are here, so we are talking. Mereko dikh nahi raha ek minute yahan pe. Okay. सर यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लिखेंगे सर, मजा आ रहा है मुझे. सर जस्ट स्माइल एंड इग्नोर. अरे सर मेरे को बड़ा मजा आ रहा है. मैं यू नो दिस इज समथिंग व्हिच यू नो व्हिच इज सच अ मिक्स्ड फीलिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर यू नो इट क्रिएट्स ऑन अ पब्लिक पर्सनालिटी लाइक यू टू हैंडल ऑल ऑफ दिस विद सो मच ऑफ ग्रेस एंड देन नॉट हैव इवन अ स्ट्रेस इन योर फोरहेड. हाँ जी. And keep creating music. Tell me something about your recent album, यार. Recently, see, I was just releasing my EP, my first EP, Elan. So, उसका भी पहला गाना निकाला था आमीन. उसके बाद अभी दो गाने हैं, काली जुबान और एक जिया ला गया. दोनों पे काम चल रहा है, दोनों की वीडियोस वगैरह कर रहे हैं. We are planning good things, है ना. जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से इम्प्रूवमेंट दिखे लोगों को हर चीज में, है ना. तो अभी फिलहाल ये है कि फिलहाल एक ही ईपी आ रही है, उसके बाद अभी देखो आगे क्या क्या चीजें होती हैं. लाइक मेरे साथ क्या सीन है कि आई डोंट प्लान थिंग्स दैट मच. मेरी आदत वैसी रही है कि मैं 8 साल से जो भी काम किया है ना, वो कुछ प्लान करके नहीं, मन किया तो कर दिया, कि मन किया तो गाना बना के डाल दिया, है ना. तो मेरा सब कुछ, मेरी जो भी जर्नी रही है वो ऐसी रही है. बट अब थोड़ा सा एक सिंक्रोनाइजेशन में चीजें हो रही है. काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं गाने के पीछे जिनपे अब काम करना शुरू किया है ना. तो बस अब वही है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं मुझसे इस चीज को लेके कि मैं बहुत लेट कंटेंट डालता हूँ. मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम महीने का एक गाना तो लोगों को मिलना चाहिए सुनने के लिए, कुछ ना कुछ कंटेंट आना चाहिए ना. अब वही है कि उसको एक तो एक तरफ हो गई ये बात कि हर महीने एक गाना है, दूसरी चीज ये कि और चीजें सॉर्ट करके इम्प्रूवमेंट करना, है ना. तो वो उस एक फेज में ना भी मैं धीरे धीरे फिट इन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं काम डिलीवर कर पाऊँ. मैं गाने बनाने तक का काम और अपलोड दबाने का काम हो तो मैं कर दूंगा. जहाँ चीजें होती हैं कि म्यूजिक वीडियो भी बनेगी, उसकी फिर मार्केटिंग होगी, उसकी ये चीज होगी, वो होगी, ठीक है, तो उन चीजों में मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ कि मेरा काम था गाना बनाने का, मैंने बना के दे दिया. अब आपके ऊपर है, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा. But that's a great thing about you, Mufad. आपने मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. हाँ जी, हम कॉन्सेप्ट राइट आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. और वो बोलते ना कि जस्ट यू नो इन थॉट ऑफ अ मोमेंट दैट कॉन्सेप्ट यू नो गॉट कंसीव्ड एंड इट केम आउट. हम वो जरूर कर रहे हैं. एंड मुफाद, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर दिस ट्रैक. थैंक यू फॉर योर सेल्फलेस जेस्चर. सर, आई एम इक्वली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव यू अराउंड, राइट भाई. मैं मतलब दैट इज वो आपका बड़प्पन है, बट अपने अपनी एल्बम को बीच में रोक के, अपनी एल्बम का काम बीच में रोक के, एक सेल्फलेस जेस्चर के साथ इस कैंपेन के साथ जुड़ना और अपनी क्रिएटिविटी को लेंड करना और अपनी क्रिएटिविटी को हमारे साथ आके जस्टिफाई करना और 100% देना, मुफाद, दिस इज अ वेरी 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 ग्रेट थिंग. आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. I am looking forward for the release tomorrow, and I know it will be a great. Yes, sir. I'm really excited to see like how the things go. 100%. So yeah. You know there'll be few surprises for you tomorrow also.
हमने बहुत सारी चीजें की हैं और slowly gradually you'll keep knowing it. So tomorrow the content will be available not just on streaming platform. And also there are many people na, there are many people jinse aap first time introduce ho rahe ho, right? Like बहुत सारे लोगों को नहीं पता. So this is Mr. Varun जिन्होंने direct किया है पूरा video, पूरा concept जिनका है, right? So कल आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कितना amazing काम किया है, right? And for the right purpose, for the very right purpose, coming from the very right man. Thank you very much. I wish you all the happiness of the universe coming on you. May the universe is watching over you right now. और हमारी जो ये conversation है, कि परमात्मा इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा हो और यू बी ब्लेस्ड विद बेस्ट ऑफ द क्रिएटिव एंड बेस्ट ऑफ द म्यूजिक एंड ऑन बिहाफ ऑफ शत्रु सर सोनाक्षी मैम आई यू नो दे हैव चोजन मी टू पास दिस कम्युनिकेशन टू यू दैट यू नो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग जस्टिस टू वट एवर यू नो कॉन्टेंट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द थॉट सर विल स्पीक टू यू सून एंड इट विल बी वेरी सून व्हेन यू नो एवरीबडी ऑफ अस विल गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट द इमोशन ऑफ द क्रिएशन व्हिच वी हैव डन. Yes, sir. And once again, thank you for the opportunity for bringing me in your feed and being a part all of love, sir. All love for the music, all love for the world. I would like to mention that this entire process of you incorporating and being a part of Zarurat wouldn't have happened without Nilesh being a part of it, without Tushar, Shishir being a part of it. This Shishir. Content is releasing on Beyond Music. Guys, go to Beyond Music channel. Go click the subscribe button and click the bell icon so that whenever you know there's a new content coming on, you guys can go and watch it. Viral Bhai. Yeah, there's a swipe up link in my story, so everybody can go and subscribe. Yeah. Sanjeev, Simran, Shruti, Violina. Violina is something you really need to watch for, and you need to help her in her career. Yeah, and and Simran and you know us too, we definitely you know we are working out on something or other. So yeah. All of these people combined together have made this content. Mufar, keep yourself the way you are. I wish you all the best. Siddharth, thank you so much. If you're listening to us somewhere, thank you very much. Yeah, Siddharth is right there. Yeah, he is. Siddharth, thank you for being the best brother. Siddharth, take care. Aaja. अब जब यहाँ पे हो तो फिर अच्छे से दिखो ना क्या दिक्कत है. आजा. Hello. Siddharth, thank you for being a best brother. Take care of him as a brother always. Yes. साथ रहना हमेशा बस. बिल्कुल ऐसे ही साथ रहेंगे. बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत रास्तों में खड्डे आएंगे, बहुत सर. मैं कह रहा था बिल्कुल ना, बिल्कुल सही बंदा मिला है मेरे को. Like he is a completely gold digger. तो एक मैनेजर का ऐसे ही होना सही.